रत्नागिरी म्यूजियम, ये एंट्री गेट है। ये रत्नागिरी के पहाड़ को आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए। रत्नागिरी जो फेमस जगह है, उधर एक म्यूजियम है, हम लोग वहाँ तक जाएंगे दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं इधर, मूर्ति वूर्ति है ना, इधर जाएंगे। फेमस जो है शायद उनका मूर्ति लगाया हुआ है। थोड़ा दूर आगे में मतलब पहले ज़माने का है, सब देखने के लिए बहुत फेमस जगह। अभी बारिश का जिस पूरा घास उठ गया है, जंगल जंगल हो गया है। ऐसा के जाएंगे रास्ते से, यहाँ बकरी चर रही है घास। ये जो घर है ना, पहले ज़माने के राजा के काल का घर सब है। मैंने उस टाइम में सिर्फ पत्थर से ही घर बनता था, जड़ी सीमेंट वीमेंट कुछ होता ही नहीं था शायद। हैं क्या लिखे, वे टू ड्रिंकिंग वाटर, इसके आगे जाने से पीने का पानी भी मिलेगा, क्योंकि गर्मी के दिन में बहुत आदमी आते हैं ठंडे के दिन में इधर घूमने के लिए। इसका मेन एंट्रेंस इधर है, उधर ड्रिंकिंग वाटर है। जाएंगे पानी पियोगे, सिक्योरिटी गार्ड भी इधर होते हैं, जो नया आदमी आएगा इस प्लेस को थोड़ा उसके बारे में बताने के लिए। ये मेन एंट्रेंस है, उधर देखो जो बारिशों के घास वास हो गए, सफाई हो रहा है उधर। ये मेन एंट्रेंस गेट है, बस इतना ही इधर का फेमस है मॉन्स्टेरी। उधर क्या है, चलो इसके अंदर ही जाएं। पहले ये सब पहले जमाने का राजा महाराजा के काल का है ना। ये एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस करने के बाद ना, पहले जब यहाँ पर मतलब राजा महाराजा के काल में मतलब इंसा पंचायत जो होता था, मतलब ऐसा चारी तरफ से आदमी बैठेंगे शादी के, चारी तरफ से घर होता था ना। देखो वहाँ जो बुद्धिस्ट का एक एक घर हुआ करता था सबका, मतलब उस टाइम में बारिश भी तो होता था, लेकिन पता नहीं छत नहीं होके भी रहती थी उस टाइम के आदमी कैसा क्या। ये है बस, देखे होगे आप लोग पिक्चर विक्चर स्टार्ट होने के पहले, ऐसा पता था, ऐसा अंधेरी काल कोठी लगता, डर भी लग रहा है इसके अंदर। ये तो सेंटर पॉइंट, सेंटर जेल रहते थे, वो घर से घर को रास्ता है वहाँ। ये है रत्नागिरी, ऐसा सीढ़ी हुआ करता था। यहाँ बाहर जो भी नहीं, ये बस थोड़ा सा रत्नागिरी का जो व्यूज है ना, एक एक घर है, इसमें पहले छत भी पड़ा हुआ है, इसके नीचे हम छत के ऊपर आए हैं, नज़ारा।
ऐसे कि घर है मैंने पहले जमाने का ईंट कितना देखो हाँ। ये तो जब जो खेंदी नहीं तो तब मत्ती।